आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सुपौल जिले के हरदी पूर्व चौघारा वार्ड नंबर 8 में जमीन बदलने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर कचिया दबिया व गरासा चलाया गया। वहीं इस घटना में 3 औरत घायल हुए। दरअसल खबरों के मुताबिक दो पक्षों में जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। इसको लेकर दो पक्ष में एक दूसरे के सामने सामने विवाद भी हुआ। वहीं रानी देवी ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि करीब 11 बजे परमेश्वरी यादव, विजेंद्र यादव, राघवेंद्र यादव, अनीता देवी, सत्यम देवी, रेखा देवी, धनेश्वरी देवी, बुछिया देवी, रोशनी कुमारी, सपना देवी, रूपा कुमारी, दुर्गा कुमारी, काजल कुमारी व सत्यनारायण यादव सभी अपने हाथ में दबिया कचिया फरसा लेकर मेरे खेत पर घर से पश्चिम में आए तथा परमेश्वरी यादव ने अपने हाथ में लिए फरसे को लहराते हुए आदेश दिया कि इन्हें मारो, इतनी संपत्ति रखकर क्या करेंगे। जिस आदेश पर विजेंद्र यादव अपने हाथ में लिए दबिये से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से चला दिया, जो नीचे झुक जाने के कारण कंधे पर लगा। मुझे बचाने मेरे पति अरविंद यादव आए तो राघवेंद्र यादव ने मुझे एवं भतीजी पुत्र सोनी देवी पर दबिया जानलेवा हमला किया, वहाँ पर दो जगह बुरी तरह घायल कर दिया और उसके बाद जब मेरी भतीजी पुतोहू ने उसको पकड़ा तो अनीता देवी ने कचिया से जानलेवा हमला किया और दायां बांह को बुरी तरह से काट दिया। गेंद काट रहा सर तो हम दाहा थे इधर करा के यहाँ थे पचला दिया। आपका गर्दन काट रहा? हाँ जी। तो आप किसी भी तरह से बचा है? हाँ सर, पजरा में कपड़ा भांग गया सर। हथियार लगा है? तो आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर जो हमको राय मिलना चाहिए। आपको जान से मार रहा? हाँ जी। किसका घर था पहले? परमेश्वरी यादव, सिंहेश्वर यादव और उसके बाद जो है सत्यनारायण यादव, तीनों का घर इसी में था। जो हम लोग सब एक ही दादा का परिवार है, जिसमें घर मेरा रास्ता इस होकर था, रास्ता था। वो घर टूटने के बाद वो लोग दूसरे जगह चले गए। उसके बाद घर टूटने के बाद इस जमीन को घेर दिया, बोला इसमें तुम्हारा कोई हक अदा नहीं है, इसमें से तुम जा नहीं सकते हो। उसके बाद जो है 140 बांस से इसको घेर दिया गया। उसके बाद मैंने पौर पंचायती बैठाए 2001 में लगभग। तो जमीन एक्चुअली में किसका है? उसी का था, दादा के नाम से। उसी के दादा के नाम से। हाँ। तो जमीन को आप कैसे लिए, मोल लिए है? जब जमीन पर बात हुआ तो वो जो है जमीन हमसे बदले किया बात, तो 8.5 कट्ठा जमीन उसको हम दिए चास में, 4.5 कट्ठा हमको दिया बास में। उसके आपको कर दिया? हाँ, हम भी किया रजिस्ट्री किया है 4.5 कट्ठा। तो उसका कहना क्या है? उसमें हम बोले जब नापी उपी किया जमींदार, तो वो बोला कि कागज जितना का देगा चंद्रदेव यादव परमेश्वरी यादव सिंहेश्वर यादव उतने ना जमीन पर रहेंगे। तो हमको जमीन निकाल के 3.5 कट्ठा बचा। तो मैंने अनिता देवी यहाँ मारा कचिया। उसके बाद कहाँ लगाया? उसके बाद सत्यम देवी जो है इस पर जो है बांस मारा, देखिए फटा हुआ। उसके बाद काजल कुमारी, दुर्गा कुमारी, निधि कुमारी, रानी कुमारी। तो यहाँ पे जी क्या चीज से मारा था? यहाँ पर कचिया मारा था, 4 कचिया लटका हुआ था इस पर। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? न्याय चाहते हैं आपका? किस आधार पे हमको न्याय मिलना चाहिए? यहाँ का सरपंच साहब, मुखिया जी सब आए थे, उसके अलावा भी वो आप लोग पे वार किया जी, आप लोग को पेपर नहीं दिया जी। जिला प्रशासन से आप क्या मांगते हैं? जो मेरा जमीन पुराया जाए या पेपर दिया जाए, बस। आपको जो मार लगाया उसका कोई नहीं? मार लगा इसका निराकरण जिला प्रशासन किया जाए। हम आवेदन दिए हैं। कब दिया है आवेदन? आवेदन 2 तारीख को। रानी देवी चौघाड़ा थाना सुपौल जिला सुपौल। कना भेल ई सब? सर धान खेत में गलिए ना तो गाली पढ़े लागल। अपना में गलिए, वो जमीन जो देने रहिए तो वही में घास काटे रहे, और धान हमरो में काटे लागल जबरदस्ती कि तू की कर भी। चोट लागल है? हाँ। ये के मार लगे है? ये विजेंद्र यादव आ की के अनीता देवी, काजल कुमारी, निधि कुमारी। मारे में के सर? मारे में विजेंद्र नावरे
मोहन यादव सब राघवेंद्र पकड़ के सर हमरा दबिया चला दलक घेच पर पजरा में सर कपड़ा आर भांग गेले हाँ घेच सिंहेश्वर यादव को कि आपको तो मैंने 8.5 कट्ठा जमीन दिए, आप जो हमको 4.5 कट्ठा जमीन दिए तो इसमें तो 1 कट्ठा घट गया, तो ये या तो जमीन वो घुड़ा दीजिए अपना अपना जमीन पर चले जाइए या नहीं तो उसका कहना क्या है? वो बोला कि जहाँ जाना है तहाँ जाओ, तो कहाँ कहाँ हम उसके बाद गए सर मुखिया के पास, मुखिया जी बोले कि ठीक है पंचायती रखिए उसमें पेपर देगा, नहीं देगा तो जमीन घुराएगा या उसी जिसमें आप दिए हैं उसमें से 2 कट्ठा यदि 1 कट्ठा घट रहा है तो 2 कट्ठा वापस कर देगा। पंचायती जो रखे किस डेट में रखे? पंचायती सर 25 मार्च में था जी। पंचायती में क्या बोला गया? पंचायती में उसको पेपर मांगा गया कि आप 1 कट्ठा का पेपर दे दीजिए मामला खत्म हो जाए, यदि आप इसको 2 कट्ठा उसमें से वापस कर दीजिए। मुखिया जी थे, वार्ड सदस्य थे, सरपंच साहब भी थे, सरपंच साहब भी मांगे थे, बोला कि नहीं पेपर दीजिए। उसको पेपर के लिए बोला गया तो क्या बोला? वो बोला कि हम अभी पेपर डेट दिखाया कि हम कबला डेट नंबर लाए हैं अगले 25 को दे। हाँ फिर पंचायती वहाँ फुलंदर के यहाँ बैठे थे, वहाँ पर भी कागज मांगा गया तो बोला ठीक है परसों अमीन आएगा ना तो वहीं पर कागज तागज देंगे और नापी करके इसको निकाल देंगे। अमीन साहब आए तो बोला कि पेपर नहीं निकला है, जमीन निकाल दीजिए, तो जिसका जमीन था वो आदमी नहीं आया। हम बोले कि जिसके जमीन में से आप निकाल रहे हैं उसको सामने में बुला लीजिए, किला यदि मान लेगा तो कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन उसको जब फोन किया तो वो बोला कि हमको पेपर देगा तभी तो जमीन छोड़ेंगे। क्या नाम है? सोनी देवी। चौघारा थाना सुपौल जिला सुपौल। क्या हुआ आपके पास? सर लड़ा हुआ खेत में। उस टाइम आप वहीं पे? नहीं सर, हम गए दूसरा खेत में घास ले, तो मेरा सोस है ना छोटकी सोस वो वहाँ पर घास करता था दूसरा खेत में, वो सब लड़ैया वाला खेत में घास करता, कि बोला क्यों काटती है घास, वो गया इसको पूरा दबिया चलाता मारता, हम वहाँ पर गए छुड़ाने के लिए, हमको भी दबिया मार दिया, हम बहुत जोर से चिल्ला। यहाँ पर लगा है सर चोट और की कहे लाठी भी यहाँ पर लगा है कि और की कहे, हम बोले क्यों मारते हैं तो बोला कि सबको हम जान से मार देंगे। विजेंद्र यादव, रविंदर यादव, मोहन यादव की और अनीता देवी और की कहे छे रूपा कुमारी, काजल कुमारी, निधि कुमारी, निराशा कुमारी सर, रानी देवी सर, सी यादव। हाँ जी, वहाँ पर सर 10 आदमी था, हम 2 आदमी थे, तब मेरा छोटका ससुर गया तो हम लोग को देखा ना तो कुछ नहीं किया, इसको हम लोग को ले गया डॉक्टर के पास, बीके यादव के पास ले गए, सुपौल है। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार यादव, सुपौल, सुपौल, चौगाड़ा, हरदीपुर, 8। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि सर ये जमीन पर पहले उन लोग पहले इन लोगों का घर था इस जमीन, ये चंद्रदेव यादव और जंदर यादव। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार यादव, जिला सुपौल, थाना सुपौल, घर चौगाड़ा, हरदीपुर, 8। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि सर ये जमीन पर पहले उन लोग पहले इन लोगों का घर था इस जमीन पर, ये चंद्रदेव यादव और विजेंद्र यादव। यस सर। उसके बाद जो आवेदन दिए तो उधर से जब आए हम 30 को आवेदन दिए, 30/7 को, जब आवेदन देखा तो बोला कि मादरचोद को साफ टांग हाथ तोड़ के बैठा। कौन बोला था? ये बोला परमेश्वरी यादव आ सतला रंजन। इसके बाद
जो आप जो बोले मेरे साथ ऐसे हुआ, धान काट लिया मेरा, उसके बाद जो है मेरे फैमिली को मारा है। कब मारा था? तो उस विगत सोमवार को जो है 1 तारीख को। कौन कौन आया था मारने में? मारने में आया था वहाँ जो है परमेश्वरी यादव था, विजेंदर यादव था, राघवेंद्र यादव था। उसके बाद क्या क्या चीज से मारा? उसको जो मारा पहले तो दबिया लेके गया बिजली यादव, रानी देवी को जो है इस पर मारा। उस टाइम आप वहाँ पे थे? हमको फोन किया था, हम गाड़ी से पहुँचे हुए। कहाँ पे थे उस टाइम? एक कोला के बाद थे। यानी उसी बाद में आप भी थे? हाँ। लेकिन जब आपको आपको पता नहीं चला तो आपको फोन किया, तब आप आए? जी आए। तो किस हालत में आप देखे थे? हम वहाँ पहुँचे तो पहले जो है बिजली कुमार अभी विजेंदर यादव, अनिता देवी, राघवेंद्र यादव, तो रूपा कुमारी, अनिता अनिता देवी, दुर्गा देवी। वहाँ पे कौन कौन था मारने के लिए? नाम बताते चलिए। वहाँ था विजेंदर यादव, राघवेंद्र यादव, परमेश्वरी यादव, उसके बाद जो है सतलरेन यादव, मोहन यादव, उसके बाद जो है सर अनिता देवी, दुर्गा कुमारी, उसके बाद जो है रूपा कुमारी, काजल कुमारी, सत्यम कुमारी, अति सत्यम देवी, रेखा देवी, तो लड़कावाज में। तो आप लोग को आपको भी मार लगा? हम उसके बाद जो सर वहाँ पर गए तो इसको पकड़ के चला दिया कचिया, आज एक दबिया मारा, दो जगह लगा। यानी पूरा घायल है? जी। आपका कहना ये है कि मेरे फैमिली को पूरा बुरी तरह से जान मारने का साजिश रचा गया था, लेकिन वहाँ पे हम मेरा फैमिली फोन किया, हम वहाँ पे पहुँचे तो वो लोग भाग गया। जी नहीं भागा नहीं, उसके बाद वहाँ जब गए ना तो मेरा एक पुतोहू को जो है चचेरी बड़े भाई जी का पुतोहू जो है उस पर भी चला दिया। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो लोग तो घायल हो गया सर, आड़ पर बैठ गया, उसके बाद हमसे शुरू कर दिया लड़ना। तो आपको कहाँ कहाँ? हमको ये लोग बोला कि जाइए आप ग्रामीण का आप सहयोग लिए तो ग्रामीण के पास वो डिफॉल्ट गया जी, पेपर मंगा मुखिया जी सफल साहब व्हाट्सएप पर सदस्य जो भी था उस पेपर मंगा नहीं दिया जी। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम थाना अति ओपी गए दुर्गास्थान, उसको बोले सर ऐसे ऐसे मैटर है और जमीन विवाद चल रहा है, जिसमें कि हम जो जमीन उसको दिए थे वो जमीन हम रोक दिए हैं कि जब तक मेरा दखल कब्ज नहीं होता है। मैटर लेके आप दुर्गा थाना आरोपी क्या पड़ता है ओपी गए थे, तो वहाँ का प्रभारी क्या बोला? वो बोला कि ठीक है चलिए एक रोज और पंचायती रखिए, हम भी जाएंगे वहाँ पेपर मांगेंगे क्या बोलता है। आया था? जी आया था, तो आया तो बोला तो फिर वो 4-5 रोज का मोहलत ले लिया। तो हम पंचायती में बोले थे कि जब तक पेपर नहीं देते हो तब तक वो 8.5 कट्ठा जमीन में धान उन नहीं लगा सकते, वो क्या किया तो उसके बाद जो है धान लगाना शुरू कर दिया। तो जब थाना प्रभारी आया था सब ग्रामीण था फिर भी वो पेपर नहीं दिया जी, तो उसके बाद आप क्या सोचे? उसके बाद हम सर जाके केस किए, केस गए तो थाना मेरा जमीन पुराया जाए जी। थाना प्रभारी को वहाँ क्या बोला? कहाँ गए थे? यहाँ से सुपौल गए थाना प्रभारी, वो जो है हमको मेरा केस नहीं लिया, वो हमको भेज दिया जो जाइए कोर्ट। तो मैंने कोर्ट गया, कोर्ट में खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।